मैं रविकांत, मैं अभी बात करने वाला हूँ भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज पे, टेस्ट सीरीज, वनडे सीरीज, 2020 सीरीज। जिस प्रकार से भारत से ये क्रिकेट टीम ने, भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में हराया, वनडे सीरीज में हराया, ऐसा पहली बार हुआ है। आज तक जितनी भी टीमें वहां गई, बड़े बड़े नाम भी गए, पर वो ऐसा नहीं कर पाए। पर कोहली की इस कप्तानी में जिस प्रकार से भारतीय क्रिकेट टीम ने इतिहास रचा, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भारत पे हावी रहते थे, पर इस बार ऐसा नहीं है। इस बार वो परिस्थिति बदली है, उनकी पिच थी, फिर भी ऑस्ट्रेलिया के सभी खिलाड़ियों ने जिस प्रकार से परफॉर्मेंस किया है, उस पर जितना भी भारतीय खिलाड़ियों की प्रशंसा की जाए, वो बिल्कुल ही काबिले तारीफ परफॉर्मेंस है। टेस्ट सीरीज में जिस तरह से चेतेश्वर पुजारा ने शुरुआत में ही बल्लेबाजी करके ये तय कर दिया कि क्रिकेट सीरीज ये ऑस्ट्रेलिया को हम हरा सकते हैं, एक टेस्ट हारी, पर फिर परफॉर्मेंस में सुधार की और वहां पे फिर आगे के टेस्ट जीते। और लास्ट टेस्ट में जिस प्रकार से पानी का अहम रोल रहा, पानी अगर नहीं पड़ता तो 3-1 से सीरीज वहां पे भारत जीतता, पर 2-1 से सीरीज जीता। और वनडे सीरीज पे जिस तरह से भारतीय टीम ने 2-1 से जीता, उसमें धोनी की तारीफ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। और टेस्ट सीरीज में ऋषभ पंत जिस तरह से उभर कर आए, उसकी भी प्रशंसा की जानी चाहिए। उन्होंने इंग्लैंड में भी शतक लगाया था और ऑस्ट्रेलिया में भी। वनडे सीरीज में पहला वनडे हार गया भारतीय टीम, पर दूसरा और तीसरा में धोनी ने जिस तरह से एक जो पहले 10 साल पहले रुझारूपन दिखाते थे वो साफ नजर आया। धोनी ने अपनी टीम में आलोचकों को भी जवाब देने में कामयाब रहे। यही नहीं, 2020 सीरीज में भारतीय टीम नहीं जीत सकी और बराबरी वहां पे मुकाबला खत्म हुआ। पर टेस्ट सीरीज जो पहले जाती थी टीम, गांगुली की टीम या कुंबले की टीम या धोनी की टीम, आज तक जितनी भी जाती रही, 70 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि भारतीय क्रिकेट टीम ने वहां पर हर विभाग में ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ा। और केवल इतना ही नहीं, काफी मतलब कि अच्छे परफॉर्मेंस नए नए खिलाड़ी जो उभर कर आए, और हर टेस्ट में अपने आप को एक अलग करके दिखाने का जज्बा हर खिलाड़ी का वो काम आ गया। और कोहली खुद भी अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं, और जैसा कि देखते हैं सभी टीमें विदेश में जाने के बाद विदेश की टीम हावी रहती है, पर ऐसा बहुत कम मौके होते हैं कि मेहमान टीम गई है और जीत कर आए हैं। तो अभी फिलहाल इतना ही, और भी आगे भी सीरीज होंगे। जिस प्रकार से इंग्लैंड में भी भारतीय टीम ने बेहतर परफॉर्मेंस दिया पर सीरीज नहीं जीत सकी, साउथ अफ्रीका में भी वही था, पर ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं, ऑस्ट्रेलिया में एक इतिहास बनाकर भारतीय टीम आई है। अभी फिलहाल इतना ही, मैं द जकास्ट न्यूज से रविकांत, कैमरामैन निधि के साथ।